हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरएल इन्फ्यूजन के बारे में। तो आरएल इन्फ्यूजन जो है कि आईवी इन्फ्यूजन रहता है, जो ये अराउंड 500 ml का एक बॉटल ही आ जाता है। तो यूजुअली आरएल जो है रिंगर लैक्टेट रहता है, जिसको हमेशा एक्सपायरी डेट चेक करके आपको पेशेंट को दे देना चाहिए। आरएल जो है इसमें कंटेंट रहेंगे, आपको लैक्टेट मिलेगा जो कि 0.24 ml रहेगा पर 100 ml। जो लैक्टेट जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो भी मसल्स के अंदर, ब्रेन के अंदर, लिवर के अंदर जो भी एनर्जी लेवल ड्रॉप डाउन हो चुका है, तो उसको भरपाई करने के लिए जो है लैक्टेट यूज होता है। तो नेक्स्ट इसमें आता है सोडियम क्लोराइड 0.6 ग्राम। तो 0.6 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है बीपी को मेंटेन करने के लिए, वाटर रिटेंशन को करने के लिए जो है सोडियम क्लोराइड इसमें यूज होता है। तो नेक्स्ट आता है पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड जो है हार्ट रेट को स्टेबिलाइज करने के लिए, हार्ट रिदम को स्टेबिलाइज करने के लिए जो है यूज होता है। और कैल्शियम क्लोराइड जो है मसल स्पैज्म को रिलीव करने के लिए, मसल जो भी कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स रहते हैं, क्रैम्प रहते हैं, उसको रिलीव करने के लिए, और ब्लड कैल्शियम, सीरम कैल्शियम को ठीक करने के लिए जो है इसमें यूज होता है। इसमें वाटर रहता है जो कि हाइड्रेट करता है बॉडी को। जो इन नटशेल आरएल जो है इलेक्ट्रोलाइट और वाटर और वह एक शुगर फॉर्म, लैक्टेट फॉर्म जो है उसको बॉडी के अंदर बैलेंस करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। आरएल यूजुअली जो है कोमेटोस पेशेंट जो कि चक्कर आके गिर जाते हैं, डिहाइड्रेशन हुआ सो रहता है, या फिर ट्रॉमा केसेस रहते हैं, रोड एक्सीडेंट केसेस रहते हैं, ओके, सीवियर जी केस, वॉमिटिंग, डायरिया, डिसेंट्री के केसेस रहते हैं, तो उस टाइम पे आरएल जो है 500 ml जो है आईवी इन्फ्यूजन दे दिया जाता है। तो हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, आरएल में कभी भी मल्टीविटामिन नहीं मिक्स करना चाहिए, या इसमें जो है सिट्रेर एंटाक्लो नहीं मिक्स करना चाहिए। इसे प्लेन आरएल जो है हम इन्फ्यूजन दे सकते हैं, ओके, इसमें कोई भी डाइल्यूशन टेक्निक हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आइए रहा एंटायर आरएल के बारे में।